हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समृद्धि क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर लाइट। लाइट मींस प्रकाश। स्टूडेंट्स, जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 11 है और पुरानी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 15 है। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है वो आपके पास इजिली से पहुंच जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यू माइट हैव सीन ए बीम। बीम मीन्स होता है किरण, यानी कि जो लाइट की किरण, ऑफ सनलाइट, सनलाइट सूर्य। When it enter a room through a narrow opening or a hole, जो रूम के अंदर किसी नैरो ओपनिंग या किसी होल यानि कि छेद में से जो सनलाइट की किरण जाती है तो आप उसको देखते हो। उसी तरह से हेडलैम्प ऑफ द स्कूटर, स्कूटर की लाइट की बीम भी देखते हो, कार की, इंजन्स की और ट्रेन की। सिमिलरली उसी तरह एक बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम ए टॉर्च, टॉर्च की लाइट भी देखते हो। तो इसके अंदर क्या सर्च होता है, लाइट के अंदर आप क्या देखते हो कि जितनी भी जो लाइट है वो सारी क्या है, जो बीम है लाइट की वो स्ट्रेट है, एकदम सीधी है। जो सर्च लाइट होती है, लाइट हाउस, एयरपोर्ट, टावर्स वगैरह, उनकी भी लाइट की बीम देखते हो। एक्सपेरिमेंट के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो आपकी एक्टिविटी में दे रखा है। आप एक कैंडल ब्लो करो, कैंडल को जलाया और इसको आप सीधे पाइप यानी कि स्ट्रेट पाइप लिया और उसमें से देखोगे तो आपको जलती हुई कैंडल दिखाई देगी। बट लेकिन उसी कैंडल को आप एक बेंट हुए हुए पाइप, बेंट पाइप मीन्स यानी कि मुड़े हुए पाइप में से देखोगे तो आपको उसकी जो लाइट है वो दिखाई नहीं देगी। इससे क्या पता चलता है कि जो बीम है लाइट की यानी कि जो प्रकाश है वो क्या है, सीधी दिशा में चलता है, यानी कि डायरेक्शन अपनी नहीं बदलता। अगर डायरेक्शन बदलता तो आपको इस मुड़े हुए पाइप में से लाइट दिखाई दे जाती, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मीन सीधी, यानी कि सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, चलती है। अब उसी तरह से हम अगर लाइट को फॉल्स करें, ठीक है, साइनी सरफेस, साइनी मीन्स होता है चमकीला, सरफेस सतह यानी कि किसी चमकीली सतह पर, जैसे स्टीनलेस हो गया, स्टीनलेस जो बर्तन हो गए, प्लेट हो गई, स्पून हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप मिरर ले लो, मिरर भी क्या है, एक साइनिक सरफेस है। अगर उसके ऊपर लाइट फॉल करें तो उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, आप इसको परछाई भी बोल सकते हो लाइट की, कि प्रकाश का प्रतिबिंब हुआ। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन ए साइनिक सरफेस, कि क्या साइनी सरफेस के पड़ने के बाद लाइट क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल के लिए साइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, साइनिंग स्टील स्पून, चम्मच हो गई स्टील की, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसके ऊपर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। मिरर के ऊपर भी अगर प्रकाश पड़ेगा, मिरर जो शीशा होता है उसके ऊपर भी लाइट पड़ते ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। उसी तरह से वाटर है, तो वाटर भी क्या मिरर की तरह है, हाँ वाटर भी क्या है, मिरर की तरह पानी, क्योंकि मिरर के अंदर हम क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। उसी तरह से पानी के अंदर भी अगर हम देखते हैं अपने आप को तो उसमें हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। तो पानी के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है और मिरर के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि दोनों के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इट्स मीन्स चेंज इज डायरेक्शन, यानी कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जहाँ लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच गॉट द लाइट ऑफ ए टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। उसी तरह से आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, आप टॉर्च लो और टॉर्च को ऑन करके और मिरर के ऊपर उसकी लाइट को गिराओ, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपकी एक्टिविटी 15.1 के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। टेक ए टॉर्च, एक टॉर्च लिया, उसको जो ग्लास है यानी कि टॉर्च के आगे का जो शीशा है उसको चार्ट पेपर से आपने क्या किया, कवर कर दिया, थ्री स्लिट यानी कि तीन परत से पेपर से। अब आप क्या करोगे, एक वुडन बोर्ड लोगे, स्मूथ वुडन बोर्ड यानी कि चिकना लकड़ी का एक गत्था लिया। अब उस चिकने लकड़ी के गत्थे के ऊपर आपने एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, वो भी वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स लंबा, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, वर्टिकल लगा के अब आप उसके सामने टॉर्च ऑन करके और टॉर्च की लाइट को उसके ऊपर गिराओगे, ठीक है, यानी कि आप टॉर्च की
लाइट ऑन करोगे तो उसके ऊपर गिराओगे तो आपको देखोगे कि क्या हो रहा है, लाइट जब गिरी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं। अब आप उसके बाद इसकी जो टॉर्च की पोजीशन थोड़ी चेंज करके और एक एंगल पे लाइट फॉल डाउन करोगे, एंगल मीन्स यानी कि कॉर्नर पे मारोगे। कॉर्नर पे मारने के बाद आप देखोगे कि जो लाइट है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, इट्स मीन्स जो लाइट है क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है। अगर एंगल बना रही है तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसी तरह से आप टॉर्च की पोजिशन चेंज करके अलग अलग जगह पर लाइट फॉल डाउन कर सकते हो, फॉल कर सकते हो, ताकि उसके अंदर लाइट फॉल करोगे तो जो अब आप ये देखना कि लाइट फॉल करने पर कि क्या जो बोर्ड है यानी कि स्मूथ बोर्ड, क्या उसकी भी इमेज आ रही है या केवल लाइट ही आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो आपकी एक्टिविटी 15.2 के अंदर एक मिरर दिखा रखा है, मिरर के आगे एक कैंडल ब्लो कर रखी है, ब्लो मीन्स जलाना, तो कैंडल जलाई। अब जलती हुई कैंडल को मिरर के सामने रखा तो आप क्या देखोगे, मिरर के अंदर आपकी जो जलती हुई कैंडल दिखाई दे रही है, तो जो मिरर के अंदर कैंडल दिखाई दे रही है वो आपकी क्या है, इमेज है, यानी कि कैंडल का क्या बन गई, प्रतिबिंब बन गया। और जो कैंडल जल रही है, जो आपने खुद जलाई है, जो मिरर के सामने रखी है, वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इमेज हमेशा यानी कि जो कैंडल की इमेज बनी वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक, अब आप कैंडल की पोजीशन चेंज करके देखो, कैंडल को लेफ्ट राइट फ्रंट बिहाइंड यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं करो और फिर आप नोटिस करो कि जो इमेज बन रही है आपकी, जो कैंडल की जो छाया दिखाई दे रही है शीशे के अंदर, क्या वो सेम है या छोटी दिखाई दे रही है या बड़ी दिखाई दे रही है, इस तरह से आप नोट कर सकते हो। अब इसके अंदर जो आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये आपको कैसी लग रही है, एज इट इज कैंडल की तरह दिखाई दे रही है, तो इट्स मीन्स ये इमेज क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स यानी कि आपको सीधी दिखाई दे रही है, कि बिल्कुल आपको कैंडल जैसी दिखाई दे रही है ये। ठीक है, तो इरेक्ट मीन्स क्या होगा, यानी कि सेम साइज की। अब आप इसी मिरर को उल्टा रख दो, यानी कि ये अभी खड़ा है, अब इसको नीचे रख दो वर्टिकली, यानी कि लंबा करके रख दो। अब लंबा करके आप रखोगे तो आप इसके आगे कैंडल जलाओगे तो आपको पूरी कैंडल जलती हुई दिखाई देगी या नहीं, नहीं देगी पूरी, क्योंकि इसके अंदर जो मिरर है वो नीचे हो गया और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो गया। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हो, आप करके देखना। नेक्स्ट एक्टिविटी 15.3 के अंदर भी आपकी एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। आप क्या करोगे, एक चेस बोर्ड लोगे, ठीक है, चेस बोर्ड लेके उसके सामने एक वर्टिकल मिरर रखो। अब उस चेस बोर्ड के ऊपर कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखो रखो, यानी कि कोई भी एक चीज वस्तु रख दो। तो यहाँ पे आपके सामने पेंसिल जो शार्प करने वाला शार्पनर रख दिया। अब इस शार्पनर को कहाँ रखा, 1, 2, 3 बॉक्स के ऊपर रखा, लेकिन मिरर के अंदर आपका कौन सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, सेकंड बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों की डिस्टेंस में कितना फर्क है, एक बॉक्स का फर्क है ना यहाँ पे। अब आप इस शार्पनर को थोड़ा पीछे वाले बॉक्स पे रखो, फोर्थ बॉक्स पे रखो, तो आप देखोगे आपको अब जो थोड़ा सा चेंज इमेज में भी दिखाई देगा। इस तरह से आप बॉक्सेस चेंज करके देखो तो आपका पता चलेगा कि जो आपकी डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में वो कितनी डिस्टेंस है। इस तरह से आप पोजीशन नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंड लेफ्ट। राइट मीन्स सीधा, लेफ्ट मीन्स उल्टा। आप मिरर के अंदर अपने आप को देखते हो, ठीक है, आप हेयर बनाते हो, आप अपनी शक्ल वगैरह देखते हो, तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसी दिखाई देती है जैसे आप ही मिरर के अंदर हो, लेकिन आपको वो पूरा दिखाई नहीं देता। आपको लगता है, आपको आभास लगता है। आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड अपसाइड किया, यानी लेफ्ट हैंड ऊपर करके मिरर में देखा, लेकिन जो इसका हैंड है वो दिखाई थी, इसको लेफ्ट दे रहा है, लेकिन जो हैंड की शेप है वो कैसी दिखाई दे रही है, राइट हैंड जैसी। ठीक है, तो यानी कि आप मिरर में लेफ्ट देखते हो तो आपको राइट दिखाई देगा, राइट देखते हो तो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। उसी तरह से आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, तो आपको वो अक्सर उल्टे दिखाई देते हैं। ये उल्टा क्यों लिखा जाता है, ताकि जब एम्बुलेंस पीछे से आए और आगे
जाने वाले विक्कल को जब मिरर के अंदर वो अपने विक्कल के मिरर में यानी कि शीशे में एम्बुलेंस को देखे तो उसे एम्बुलेंस सीधा दिखाई देना चाहिए ताकि उसे पता चले कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। इसीलिए इसको ऑलरेडी उल्टा लिख दिया जाता है क्योंकि मिरर में हमें उल्टा सीधा और सीधा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लेइंग विद द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर यानी कि गोल मिरर। आपने यहाँ पे स्पून होती है, स्टील की स्पून, स्पून में से चम्मच होती है आपको पता है, उसके अंदर आपने इमेज देखी है, आप अपने स्पून के अंदर अपनी शक्ल देखते हो तो उसके अंदर आपको कैसी इमेज दिखाई देती है। या उसी तरह जो शाइनी सरफेस, जो चमकदार सरफेस होता है उसके अंदर आपने इमेज देखते हो तो किस टाइप की दिखाई देती है ये हम देखेंगे। तो टेक ए स्टेनलेस स्पून, आप एक स्टेनलेस स्पून लो, उसको अपने फेस के साथ में कॉन्टैक्ट में इनकी लेके आओ नज़दीक, तो नज़दीक आओगे तो आप अपनी इमेज आपको कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। लेकिन उसी स्पून को आप धीरे धीरे यानी कि अपने से थोड़ा दूर करके देखोगे तो आपको अपनी इमेज कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। ठीक, अब इसी तरह अगर आप स्पून को उल्टा करके यानी कि जहाँ से आप खाना खाते हो उस वाले उल्टा करके उस वाली साइड से अंदर आप स्पून देखो, स्पून के अंदर अपनी इमेज को देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग दिखाई देगी, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। लेकिन जो बैक साइड है, जो उभरा हुआ भाग है, ठीक है, तो जो स्पून की आपने दो साइड देखी, एक बाहर की और एक अंदर की, तो बाहर क्या है, उभरा हुआ भाग है और अंदर क्या है, धसा हुआ भाग है। तो जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स मिरर टाइप में होता है। ठीक है, और जो अंदर का है वो क्या है, कॉनकेव यानी कि अंदर की तरफ धसा हुआ। तो द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज ए कॉनकेव। जो स्पेरिकल, जो गोल मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव मीन्स होता है अवतल, ठीक, और कॉनवेक्स मीन्स होता है उत्तल, ये होता है उत्तल और ये होता है अवतल। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा आपका, ठीक है, तो ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक, जहाँ पे ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है इट्स मीन्स यहाँ पे पॉलिश की हुई है, ये पॉलिश है। तो हम देखेंगे अपनी इमेज तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अंदर की साइड, तो ये कॉनकेव है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये अंदर की साइड ये पॉलिश है, तो हम इस पे अपनी इमेज देखेंगे तो इस साइड से देखेंगे, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनवेक्स मिरर है। ठीक है, तो जो कॉनवेक्स मिरर होता है ये मोटा होता है और कॉनकेव होता है ये बीच में से कैसा होता है, पतला होता है। अब देखो व्हाई आर द कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर को जो स्पेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, आप एक रबड़ की बॉल लो, बिल्कुल कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, गोल होती है। अब आप उसको कट करो, कट करने के बाद आप देखोगे जो ये बाहर का उभरा हुआ ये वाला पार्ट है ये क्या है, कॉनवेक्स, और ये जो अंदर का है ये क्या है, कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, एक स्पेरिकल मिरर को बोल सकते हैं, स्पेरिकल मिरर की पार्ट कर रखा है यहाँ पे। द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्स लाइक एट द कॉनकेव मिरर। जो इनर सरफेस होता है स्पून का वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इसके अंदर ये इनर सरफेस है, स्पून भी तो ऐसी होती है, तो ये क्या है, कॉनकेव, और जो आउटर सरफेस होता है स्पून का वो क्या है, कॉनवेक्स मिरर कहलाता है। यानी कि कॉनवेक्स क्या है, मोटा और उभरा हुआ, और कॉनकेव धसा हुआ और पतला होगा। अब इसके अंदर वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ द ऑल ट्रू ऑफ द इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक कॉनकेव मिरर लिया और कॉनकेव मिरर लेके और उसके नीचे हमने एक पेपर रखा, ठीक है, कोई भी आप पेपर ले लो, न्यूज पेपर या आप अपनी नोटबुक्स को भी पेपर ले सकते हो, और उसके ऊपर कॉनकेव मिरर लिया। अब कॉनकेव मिरर को इनकी सनलाइट की तरफ रखेंगे ताकि उसकी जो बीम होती है सनलाइट की किरण वो सीधी इस मिरर के ऊपर आके गिरे, और हमें इसको एक फिक्स पॉइंट पे कर देना है। ठीक, अब इसको हम कुछ देर तक इसके अंदर रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक बीम का एक स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा पेपर के ऊपर। अब जहां पेपर के ऊपर बीम का स्पॉट बनना स्टार्ट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इट्स मीन्स जो लाइट है वो कॉनवेक्स कॉनकेव मिरर पे गिरकर और पेपर को जला रही है, तो वहां पर क्या है, उसकी डायरेक्ट बीम पड़ रही है, यानी कि प्रकाश की किरण पड़ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर तब ब्राइट स्पॉट है, यानी कि अभी जो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखा रखा है ये क्या है, ब्राइट स्पॉट, चमकीला स्पॉट इसके अंदर। तो ब्राइट स्पॉट इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, ये सन की इमेज है यहाँ पर।
तो नोटिस करता है दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनी, तो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। ये हमारी क्या है, रियल यानी कि वास्तविक इमेज है। एंड जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है वो क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, यानी कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन सच एज इमेज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। अब एक्टिविटी 15.7 के अंदर दे रखी है कॉनकेव मिरर को, ठीक है, जो कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड किया, ये कॉनकेव मिरर को स्टैंड कर दिया एक टेबल के ऊपर, एक बॉक्स वगैरह को प्राप कर सकते हो, उसके सामने एक कैंडल रख दी, ठीक है। अब कैंडल रखने के बाद आप देखोगे कि जो इसके अंदर जो कॉनकेव मिरर है इसके पीछे एक बड़ी इमेज बनती है, ठीक है, तो आपको एक इमेज दिखाई देती है, तो वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज है जो कॉनकेव मिरर से बन रही है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का मोस्टली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, यानी कि ये डेंटिस्ट के थ्रू यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कैंडल रखी, अब कॉनकेव मिरर लिया, तो कॉनकेव मिरर लेने के बाद जो कैंडल से लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो बड़ी इमेज दिखाई देती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर होता है वो अपने हेड के ऊपर टॉर्च लगा के रखता है और एक लेंस यानी कि एक मिरर लेके हमारे टीथ को देखता है, तो जब वो लाइट उस मिरर के ऊपर गिरती है तो उसके अंदर हमारा जो दांत होता है वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है इस तरह, इस इमेज की तरह, ठीक है, इसलिए वो कॉनकेव मिरर का यूज करता है। तो इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्टर होता है। उसी तरह से जो रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च के हेडलाइट कार और जो स्कूटर वगैरह होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, कॉनकेव की शेप के मिरर लगे होते हैं। यहाँ पे ये डेंटिस्ट के अंदर कॉनकेव मिरर यूज होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉर्च वगैरह के अंदर भी कॉनकेव मिरर्स दिखा रखा है, या आपके अंदर यूज ही दिखा रखा है। अब जो कॉनवेक्स मिरर होता है, कॉनवेक्स मिरर कहाँ यूज किया जाता है, विक्कल के अंदर जो साइड मिरर होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक, यहाँ पे ये क्या है, साइड मिरर हो गया, इस साइड मिरर के अंदर कॉनवेक्स दिखाई मिरर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि जो आने वाला जो पीछे से व्हीकल वगैरह है उसकी इमेज हम इसमें बड़ी दिखाई दे, यानी कि जो पीछे बहुत दूर से होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, तो इस मिरर में हमें उसकी इमेज बड़ी दिखाई देती है, तो यहाँ पे हम कॉनवेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब इमेज फॉर्म बाय द लेंस, अब जिस तरह से कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर होता है उसी तरह से कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंसेज होता है, तो इस लेंसेज को हम कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, जो उभरा हुआ भाग होता है यानी कि जो मोटा होगा वो क्या है, उत्तल लेंस, तो हम इसको टच करके फील करके देख सकते हैं, तो दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडिल, यानी कि जो मिडिल से थिक होगा और जिसके किनारे वो क्या है, किनारों के कंपैरिजन में, यानी कि एज मीन्स होता है किनारों, किनारों कंपैरिजन में कि बीच में जो मोटा होगा वो होगा कॉनवेक्स लेंस, और जो थिनर होगा यानी कि फील होगा थिनर एट द सॉरी इन द मिडिल देन द एज, एज मीन्स एंड किनारों, किनारों कंपैरिजन के बीच में पतला होगा वो कौन सा होता है, अवतल होता है, ठीक। जो मैग्नीफाइड ग्लास होता है, मैग्नीफाइड ग्लास यानी कि जिससे हमें जो वर्ड होते हैं जो भी अक्षर वगैरह उसमें से हम देखेंगे तो हमें बड़े दिखाई देंगे, ठीक है, तो ये मैग्नीफाई ग्लास से क्या बना है, कॉनवेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब जो कॉनवेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता है इनका मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है, स्पेक्टलेस के अंदर, यानी कि चश्मे वगैरह के अंदर, जब हमारी आंखों पर चश्मे वगैरह चला जाता है उनके अंदर इन दो लेंसों का मोस्टली यूज होता है, ठीक है। अब इन लेंस का यूज यानी कि मोस्टली हमें लेंस ये लगा के सनलाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट का पता नहीं कि या ब्राइट लाइट की तरफ, तो वो डायरेक्ट अगर लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी तो हमारी आंखों के लिए वो क्या हो सकती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि अभी हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, पेपर जो बर्न हुआ था, जला था, उसी तरह इसमें भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आप क्या करोगे, कॉनवेक्स लेंस लो और कॉनवेक्स लेंस को 5 मिनट तक यानी कुछ मिनट के लिए पकड़े रखो और उसके नीचे पेपर रखो, और जब उसकी सनलाइट की बीम उसके ऊपर पड़ेगी तो जो बीम वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी आंखों के लिए भी हानिकारक है। जो कॉनवेक्स लेंस होता है, मिरर होता है, तो उसके अंदर जो पोजिशन होगी, जो नेचर और साइज ऑफ इमेज का, सॉरी वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में हमने देखा दैट फॉर द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज, ठीक है, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट का जो नेचर और जो इमेज क्या होती है, साइज होता है इमेज का, वो चेंज होता रहता है, तो क्या लेंस के अंदर भी यही है या सेम है, हम ये देखेंगे। तो देखो ये क्या दे रखा है, कॉनवेक्स लेंस दे रखा है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनवेक्स लेंस के अंदर क्या होता है,
कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मीन्स यानी कि बेंट इनवर्ड, यानी कि जब लाइट इसके ऊपर गिरती है, यहाँ पे यानी कि लाइट गिरी इसी लेंस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगी कन्वर्ज, यानी कि एक बैंड के ऊपर यानी कि एक बीम बन जाएगा लाइट का, ठीक है, सारी लाइट जाके यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इसका उल्टा होता है, अगर इस पे लाइट गिरेगी तो इसकी लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मीन्स यानी कि बिखर जाती है, ठीक है, इस तरह से बिखरती है। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से आपका एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है जो एक्टिविटी है कैंडल वाला, तो यहाँ पे दिखा रखा है इसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा तो कैंडल्स के पीछे यहाँ पे जो इमेज होती है यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से जाके एक पॉइंट पे बनती है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है उसके ऊपर क्या होता है, वो बिखर जाती है जो इमेज, उसमें जो लाइट होती है। तो इसमें जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स के अंदर वो कौन सी बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज, ठीक है, यानी कि जो हमें उल्टी इमेज बनेगी लेकिन हमें सीधी दिखाई देगी, ठीक है। ये था हमारा कॉनकेव और कॉनकेव। अब नेक्स्ट आता है सनलाइट, व्हाइट और कलर, यानी कि जो सनलाइट है, जो सूर्य की लाइट है वो सफ़ेद और कलर होती है। हम सनलाइट देखते हैं तो मोस्टली हमें सनलाइट कैसे दिखाई देती है, येलो इस वाइट कलर दिखाई देता है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद जो थोड़ा सा स्लो सन निकलता है स्काई के अंदर तो हमें रेनबो दिखाई देता है। तो हम रेनबो देखते हैं, तो रेनबो का कलर क्या होता है, सेवन कलर होता है। तो सेवन कलर उसमें कौन सा होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ये सेवन कलर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सनलाइट होती है, जो व्हाइट लाइट हमें दिखाई देती है सनलाइट, यानी कि सनलाइट के अंदर सेवन कलर होते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि आपने प्रिज्म लिया, ग्लास का होता है जो कांच का, उसको अंधेरे रूम के अंदर ले जाकर एक होल से ला कर यानी कि सनलाइट उसके ऊपर डालोगे तो आप डार्क रूम में देखोगे कि जो व्हाइट लाइट डालने के बाद आपको जो लाइट दिखाई देगी वो सेवन कलर में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि सात रंग में बट जाएगी, ठीक है। अगर आप सात कलर को इकट्ठा करोगे तो आपको एक सफ़ेद लाइट मिलेगी, और सफ़ेद लाइट को आप प्रिज्म के ऊपर डालोगे तो वो सेवन कलर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि सेवन कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनी है, यानी कि सात रंग मिलते हैं तब उससे एक लाइट व्हाइट बनती है। उस तरह से आप सी डी प्लेस ले सकते हो, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसको अंदर आप लाइट डालोगे इसके ऊपर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये भी क्या है, सेवन कलर है इसके अंदर। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक आप पेज लो और उसको ऊपर आप सेवन कलर फिल करो, डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे कर रखा है, और इसको आप एक छोटे बारीक यानी कि पाइप के ऊपर लेके और इसको आप सर्कल यानी जोर से आप इसको घुमाओ यानी कि राउंडेड करो, तो जब इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो आपको इसमें कलर क्या दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन आप जो स्टॉप होगा तो आप देखोगे तो आपने तो इसमें सेवन कलर फिल किए थे, तो ये क्या है, सेवन कलर। इससे क्या पता चलता है कि जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, वो सेवन कलर से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम करेंगे इसके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में फर्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मीन्स होता है अवतल, लेंस मीन्स इनकी जो लेंस, कॉनकेव मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, और कॉनकेव अवतल, तो अवतल दर्पण। कॉनवेक्स यानी कि उत्तल लेंस, कॉनवेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट होता है सीधा, और इमेज प्रतिबिंब या छाएं बोल सकते, तो इसके अंदर क्या है, सीधा प्रतिबिंब। मैग्नीफाई इमेज, मैग्नीफाई आवर्धित प्रतिबिंब, यानी कि जो बड़ा हुआ, जो बड़ा दिखाई दे आपको, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाई यानी कि आवर्धन, कांच, ग्लास मीन्स होता है कांच। प्रिज्म संपार्श्व, रेनबो इंद्रधनुष, रियल वास्तविक, और इमेज प्रतिबिंब। रियल व्यू मिरर यानी कि दर्पण के पीछे देखना, साइड मिरर की दर्पण, और स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मीन्स होता है गोलाकार, गोलाकार दर्पण, और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल आभासी इमेज प्रतिबिंब। ये हमारे हो गए कीवर्ड्स। I hope you like my video. If you like my video, please like and share and subscribe. Thanks for watching my video.